नक्सलियों ने एक बार फिर दस्तक देकर गिरिडीह के डुमरी में दहशत फैलाने का काम किया है। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र कालहावार में शाम को भाकपा माओवादी ने डिग्री कॉलेज निर्माण में लगे एक जेसीबी मशीन और एक मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया, जिससे वहां के लोगों में दहशत व्याप्त है। कुछ नहीं बोल, तुम लोग कहीं यहीं से कहीं नहीं हिलना है, न कहीं जाना है न कहीं फोन करना है, तुम शांत खड़ा हो। तो काहे कुछ बोल रहा था आग लगाने का, मतलब कि काहे आग लगाया, कुछ बतलाया? नहीं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, खाली मारपीट किया। हाँ, वो लोग चल गए। कई आदमी के साथ मारपीट किया? हमको मारा। कौन चीज मारा? वही लाठी उठी था। लाठी उठी एक आदमी, फिर मारपीट नहीं किया, वही डराने के लिए। हाँ, फिर मारपीट? मारपीट नहीं किया, फिर गाड़ी में आग लगाया, चल गया। और कुछ बोला नहीं? नहीं कुछ नहीं बोला। जैसे आग लगाने कारण कुछ बोला होगा? नहीं, उसे कुछ नहीं बोला। फायरिंग वायरिंग भी किया है? कुछ नहीं बोला उसने। हाँ, हवाई फायरिंग किया है क्या? फायरिंग नहीं, फायरिंग नहीं किया, फायरिंग नहीं किया। फिर किधर से चल गया? इधर से चल गया, इधर हम लोग फिर नहीं गए, उधर आया, उधर से फिर चला, इधर से गया, पता नहीं, इधर से निकला हम लोग। तो सभी का मुंह खुला हुआ था, एक का मोबाइल भी ले गया। हाँ, मुंह खुला था, मास्क लगा लिया था, किसी का कुछ छीन के ले गया। हाँ, एक का मोबाइल ले गया। किसका मोबाइल ले गया? क्या नाम है उसका? इधर क्या करते हो? मिस्त्री। मोबाइल आपका ले गया? हाँ। अच्छा, क्या बोल के ले? कुछ नहीं बोला, दे देंगे। घटना के बाद गांव एवं निर्माण कार्य में लगे मजदूरों में दहशत है। माओवादियों ने घटना के क्रम में एक मजदूर की पिटाई भी की है, ताकि लोगों में उनका भय बना रहे। बता दें कि 15 की संख्या में हथियारों से लैस भाकपा माओवादियों ने डिग्री कॉलेज परिसर पहुंच निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से डीजल मांगा। वहीं कुछ देर बाद माओवादियों ने मिस्त्री राज धनवार निवासी रामदेव यादव के साथ मारपीट की। उसके बाद ही माओवादियों ने डीजल डालकर खड़ी जेसीबी मशीन व मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया, और उसके बाद सभी माओवादी वहां से चले गए। कार्य कर रहे मजदूरों ने कहा कि सभी माओवादी वर्दी में थे। बता दें कि यह डिग्री कॉलेज निर्माण कार्य का अभी शुरुआती दौर था। पुलिस के लिए इन नक्सलियों को पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं। गिरिडीह से राजेश राज की रिपोर्ट।